आप लोग देख सकते हैं इतना ज्यादा पानी हुआ, देखिए तैरते हुए बोतल आ रही है। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं उठ चुका हूँ, आज जल्दी उठा हूँ और टाइम आप लोग देख सकते हैं 7:26 हो रहा है। ओ भाई, पूरी नाली भर गई पानी से, आप लोग देख सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कल नाली में पानी भरा था तो पूरा नाली पानी सूख गया है, ये देख सकते हैं पूरा सूख गया है। कल तो पूरा नाली जाम थी, पानी जा ही नहीं रहा था, पास ही नहीं हो रहा। सो फ्रेंड्स, छत में पानी भरा हुआ आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। ओ भाई, पानी पानी भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, अभी सुबह का समय है और सब सो रहे हैं। सो अभी पहले पानी निकालते हैं। बोतल कोई देखिए कितनी तेज पानी जा रहा है। ओ भाई, गई। अरे दादा, इतनी तेज जा रहा पानी। अरे फिर से ना जाओ, पूरी छत में भरा हुआ था पानी, आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा पानी हुआ, देखिए तैरते हुए बोतल आ रही है और ये फिर से फट गया। अरे यार, इसको हटाना पड़ेगा। ऐसी बारिश, पूरी छत में भरा हुआ है पानी और एक ही पासिंग का एरिया है यही नाली, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है और एक वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे कम भरा हुआ है। तो ये देखिए पानी कितनी स्लो से जा रहा है। अब ये नीचे जो आ रहा है पानी, तो भी फ्रेंड जो नीचे पानी जा रहा है, हमें लगता है आंगन में भर जाएगा, तो वहाँ का भी पानी अभी निकालना पड़ेगा। तो भी पहले चलते हैं जल्दी से आंगन, बिकॉज अगर आंगन में भर गया पानी ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा घर मेरा और देखिए, आज पीछे का मैंने नहीं दिखाया था, पीछे का पोर्शन आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओ भाई, यहाँ भी भरा हुआ है पानी, पानी हो गया फ्रेंड्स। अभी को आज आंगन दिखा रहा हूँ, पहले मैंने नहीं दिखाया व्लॉग में क्योंकि पीछे का पोर्शन है और इस पीछे के पोर्शन में काम होता था पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है, पन्नी इन्नी सब पड़ी हुई है। यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं सुबह सुबह, लेकिन अभी ये जो रखा हुआ है, पहले यहाँ पे फ्रेंड्स अगरबत्ती का काम हुआ करता था, तो उसी का ये ड्रायर वगैरह रखा है, देख सकते हैं ये इसमें अगरबत्ती सूखती थी। और ये देखिए पूरा पानी बिल्कुल दरिया बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बस अभी इसको निकालना है पानी के लिए, वहाँ पे एक छोटी सी नाली है, तो अभी वहाँ से उसके लिए हमको डंडा चाहिए सबसे पहले। तो अभी यहाँ पे डंडा तोड़ते हैं। ओ भाई, कीड़े भी हैं, हमें लगता है पानी गंदा पानी है बिल्कुल। सुबह सुबह का समय है और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ओ भाई, ये असल में कल की बारिश है फ्रेंड्स, जो हम लोग आए थे ना, तो हम लोगों को छत पे हम गए नहीं तो हमें पता भी नहीं चला, और जैसे ही मैं छत पे गया देखा, अरे भाई ये तो पानी भरा पड़ा है। कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, क्या है बताऊँ आप लोगों को। अभी तो बोतल से खोदना पड़ेगा, ये देखिए ये बोतल है, इसको सही करना पड़ेगा। पानी पानी पास हो, पूरा भरा पानी, ये देखिए पानी, अब पानी पास होने लगा है, बवंडर बना हुआ है, गोल गोल पता नहीं क्यों पानी जाता है, आप लोग बताइएगा, ये फिजिक्स है कुछ। पानी भी जा रहा है, अभी उस हिसाब से पानी नहीं जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। अरे भाई, सिग्नेचर इग्नेचर सब पड़ा है।
फाइनली अब धीरे धीरे पानी यहाँ का भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारी छत का पानी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ से भी नाली से आ रहा है पानी पूरा भाई। ऐसा पानी बरसा दिया भगवान ने, पूरे घर में पानी भर गया। और मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ बाबा पानी बरसाओ, फाइनली जब देते हैं ना बाबा कुछ सोच समझ के नहीं देते हैं, बस देते रहते हैं। फिलहाल अभी धीरे धीरे पानी जाता रहेगा और मुझे बोतल से मुझे करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ डंडा नहीं है, और डंडा बाहर जाएंगे लेने तो शायद कोई उठ जाए। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, मम्मी को खास तौर से, बिकॉज मम्मी थक जाती हैं, तो इस वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और ये फाइनली पानी तो ख़त्म हो चुका है, देखिए किसी कुआं से जा रहा है, पूरा पानी चला गया। यहाँ का पानी तो ख़त्म हो गया है, अब जब ये सूख जाएगा तो यहाँ पे पूरी अच्छे से झाड़ू लगा देंगे, बिकॉज पूरी ज़्यादा गंदगी गंदगी। मैं सोच रहा था बाहर चलूँ, सुबह का समय है, फ्रेश हवा ली जाए, लेकिन कोई बात नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, दीदी के लिए नीम लेने जा। सॉरी फ्रेंड्स, फाइनली पेड़ मिल चुका है, ये है, ये तो इसकी पत्ती यहीं से है, तो इसे तोड़ लेंगे। सो अभी इतनी पत्ती तोड़ ली, आप लोग देख सकते हैं ये पेड़ टूटा पड़ा है, अपने आप ही गिर गया था यहाँ से पूरा। तो अभी घर आ चुके हैं, पेड़ मैंने आप लोग को दिखाया था, वो आप लोग ने देखा, वो अपने आप ही गिर गया था हवा से या पता नहीं, खोखला हो गया था तो इस वजह से गिर गया था, जैसे मेरा अमरूद का पेड़ है। लेकिन हाँ, अमरूद का पेड़ मेरा अभी तक गिरा नहीं, खड़ा हुआ है। फाइनली गजब बेइज्जती है। लो नहीं नहीं लो, जय हो जय हो शंकर। Thank you.